सो गाइस ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग पूरा का पूरा देखना यार, क्योंकि मेहनत लगती है, आप भी जानते हो। सो गाइस मिलते हैं आपको व्लॉग में। हम लोग सुबह सुबह 6 बजे निकले थे, 7 बजे बस में बैठे, वहाँ से सनौली अब आए हैं। ठीक है, सनौली पड़ता है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, तो आप लोग ये सामने देख सकते हो। ठीक है, वो ये देख रहे हो ना, नेपाली थे लोग, ब्लॉगर बोल रहे थे। ये देख सकते हो। तो गाइस हमने नेपाल में एंट्री ले ली है, उन्होंने वहाँ पर हमसे मोबाइल ले लिया था। ये देखो नेपाल का बॉर्डर है, तो उन्होंने हमसे मोबाइल ले लिया था, मतलब जो हमने कैप्चर किया था टोटल एक एक चीज़ दिखा दी थी। कहते ये दिखाना अलाउ नहीं है, पूरा मोबाइल लिया मेरा, उतना वीडियो जितना अभी कैप्चर किया टोटल ना फॉर्मेट कर दिया, डिलीट कर दिया। कहती उधर जा कर के वहाँ से कैप्चर करना, मेन चीज़ ना दिखाओ। हमने चलिए ठीक है, किधर जाते हैं। यहाँ पर भी देखो ये रिक्शा जैसे चलता है इंडिया में अपने, वो है यहाँ पे, कैसे बुलाते हैं वे लोग। ये देखो चलो इस पर बैठ गए, देखो अब कहाँ जाते हैं। सो गाइस सर हम लोग नेपाल में तो एंट्री कर चुके हैं, बॉर्डर के आगे सुना तो एक बस स्टैंड है, वहाँ से आगे की बस मिलेंगी, वहाँ पहुँचे ई रिक्शा से। तो यार यहाँ पर क्या है, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, पर पर्सन 20 रुपये लिए, इंडियन करेंसी के हिसाब से 20 रुपये लिए, 100 रुपये सिर्फ 1.5 किलोमीटर के। अब भाई पता भी नहीं था तो मजबूरी थी। ठीक है, फिर वहाँ पहुँचे भाई तो पता चला कि बस ही नहीं है भाई, मतलब हम लोग को पोखरा जाना है। ठीक है, पोखरा यहाँ से 180 किलोमीटर है, वो पहाड़ी इलाका है पोखरा, काठमांडू उसके ऊपर। तो वहाँ की यार मतलब बस शाम के 7 बजे की है नेपाली टाइम में, और इंडिया का जो और नेपाल का जो टाइम है वो 15 मिनट का डिस्टेंस है। जैसे इंडिया में 6 बज रहा है तो नेपाल में 6:15 हो रहा होगा, मतलब 6:15। अगर यहाँ पे 6:15 हो रहा है तो इंडिया में 6 बज रहा होगा, मतलब 15 मिनट नेपाल आगे चलता है। जैसे ये जहाँ पर ये दो पाथ बने उस साइड की जो मेन हाईवे रोड है उसमें देखो यार क्या होता है, इधर से जो गाड़ी जा रही है उस साइड उधर से आ रही है, ये जो है यहाँ पर आपका सिर्फ 2 व्हीलर निकलेगा और ये ऑटो रिक्शा टुक टुक जो चलता है ई रिक्शा बोलते हैं उसको यहाँ पे। बाकी भाई नेपाल का ये जो हाईवे देख रहे हो सिर्फ बस बस ही निकल रही है, बाकी टोटल सन्नाटा है। नहीं नहीं ऊपर नहीं जाएंगे भाई, धूप है बहुत। एक तो यहाँ पे गाइस तुम लोग ने धूप कर रखी है। एनसेल का सिम बताया था ना एक, हाँ हाँ, तो गाइस ये जो एनसेल है ना इसका सिम लेने आए हैं हम लोग। हेमंत ने बताया था, उससे पूछा कौन सा सिम सबसे अच्छा चलता है, यहाँ पे कोई सिम भी नहीं है ना, हमारे पास नेटवर्क नहीं है तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। गाइस हमारे शाम की 7 बजे की बस है यार, 5 घंटा कुछ भी करके काटना है। तो ये मेरा इंटरनेशनल कार्ड जो बनवाया था, तो सोचा चलो उसको ट्राई करते हैं और उसी से सिम कार्ड खरीद लेते हैं नेपाल का, जिससे हम लोग कोई व्लॉग में प्रॉब्लम ना हो अपलोड करने में। चलो ला, ये देखो गाइस ये मेरा है इंटरनेशनल कार्ड नॉमेड किशू नेम से। तो यार देखो सिम कहाँ मिलेगा। एक चीज़ गाइस आपको यहाँ पे मतलब मैं बता दूँ कि यहाँ पर हर शॉप में बियर मिलेगी। देखो बियर रखी है, मतलब बच्चा भी बेचता है यहाँ पर, कुछ वो नहीं है। अबे तार कैसे नीचे आया। हाँ तो यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चा बेच रहा है ये वो भाई, बियर हर दुकान में बिकती है। देखो दारू से जाए रखे चीज़ें, तो कुछ भी पूछो किसी को खुद नहीं पता, कहते हमें नहीं पता। सिम पूछ रहे हैं इसे बता रहा आगे चले जाओ, उधर पूछा है तो वो बता रहे हैं कि मेडिकल स्टोर में पूछ लो, बगल में मेडिकल स्टोर है वहाँ पूछा तो उसके यहाँ भी कुछ नहीं था। बेकार है यार ये साइकिल किसकी ले चले। आओ बे देखो यार कहाँ मिलता है। अरे हमने सोचा यहाँ सिम मिलेगा तो यहाँ तो सबसे पहले तो यही दिख गया। कोल्ड ड्रिंक ले लें, और एक ले लो ब्लू लेस लेना रखा है, चिकन मोमो
ये सब चिकन सॉसेस हैं, चिकन सॉसेस, बफ सॉसेस, चिकन सॉसेस। क्या बे आइसक्रीम क्या करोगे लेके भाई, ये सब चाइना से आती है, देख रहे हो सब चाइनीज है। नो चाइनीज लॉन्डो, नो चाइनीज। लोगे क्या? ये बटर है क्या बे? मैगी लोगे क्या? फिर बनाएंगे कहाँ इसको? वही तो। ये देख रहे हो ना गाइस, 130। पूछो कार्ड पेमेंट हो, कार्ड एक्सेप्ट है? इंटरनेशनल ओके, करेंसी इंडियन करेंसी। सिम कार्ड वहाँ मेन रोड में जाना पड़ेगा, बैंक रोड। ओके थैंक यू। चलो यार ले लिया ये देख। हाँ हमने देखा गाइस, आप सभी लोग ये नेपाली डॉग देखिए कितना प्यारा है, भाग रहा है यार कसम से, प्यारा है। अरे इसको बुलाना, बुलाओ इसको, भाग रहा है। बढ़िया डर, मतलब इतना एटीट्यूड भाई, अबे एटीट्यूड वाले पिल्ले, इतना एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड। भागोगे भाई, हम तुम्हारे देश में आए, एक बार मिल तो लो। ओए इधर, कितना प्यारा है। अबे अबे अटैक कर रहा है गाइस, अटैक करने का तरीका देख रहे हो, कुत्ता लकी नहीं रहा है भाई, तू कुत्ता है ना, पगला कुत्ते। ओए चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। गाइस ये बैल कितने प्यारी है ना, बस भाई भाग गया। तो गाइस अगर आपको ई रिक्शा चाहिए नेपाल में तो आप ई रिक्शा ले सकते हैं। ये है वेस्पा जो स्कूटी आती है, अप्रीला भी है, और ये देखो भाई अपनी माल केटीएम, कौन सी घड़ी है, 250 है ना ड्यूक। यस देख रहे हो ना क्या ही माल लग रही है। अब जा रहे हैं यार मॉल, कम से कम हम लोग अपने बस स्टेशन से, उसका नाम क्या था उस एरिया का, बस करके था ना कुछ, पता नहीं बस पर्चा, अरे पता नहीं क्या था, वहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर दूर हैं क्योंकि 6 बजे की बस है, अभी कुछ 4:15 या 4:30 हो रहा है। तो जा रहे हैं वो मॉल साइड, वो सामने आपको मॉल दिखाता हूँ, ये देखो ये मॉल है, तो वहाँ मॉल मॉल जा रहे हैं, वो रहा मॉल, वहाँ जा रहे हैं आप। चलो मॉल में जाके मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस हम लोग नेपाली मॉल में आ चुके हैं, मॉल का नाम तो नहीं याद है बट हाँ मस्त है गाइस, यार यहाँ का सजावट बहुत ही मस्त है। सजावट भी है क्या भाई यार, गाइस ये बेइज्जती कर रहे हैं यार, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो यार, इनको कहीं ले जाने वाला नहीं, तो ये रसिया घूमेंगे क्या। गाइस देखो रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज थे पीछे, क्या चीज नाइट कहते। अब गाइस यहाँ पे तो आप लोगों को गाइस पहले ही पता ही चला गया होगा, अबे जीरू तो अपने यहाँ मिलती है, एमपी की है ये, जतन जानता है, हमने पी है क्योंकि बेकॉन स्लाइस, ये भी स्विस गोरमेट, और वो फ्रेश हैंड बोन्ड पोर्क विद अवर, और ये बफ मिनाइस चिकन ड्रम स्टिक्स, ये भी ये क्या है चिकन ड्रम स्टिक्स, अच्छा भाई है ये क्या है, ची 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 इन आ रही है। अब ये क्या है भाई, गाइस ये पूरा चिकन है। सो गाइस आपके पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना, वो पापा को ज़रूर दिखाना, पापा चाचा लोगों को कहेंगे यार एक बार तो मैं आना पड़ेगा यहाँ पे, देख रहे हो ना गाइस खुले आम बिकती है पर शॉप, पर शॉप पान की भी दुकान होती ना तो वहाँ छोटी छोटी दारू की बोतलें रखी रहेंगी, बच्चे बेचते हैं यहाँ के, इतना ये कल्चर है, देख रहा हूँ। वैसे एंट्री एरिया है यार, डर लगता कभी कोई टोक दे एकदम से कैमरा क्लियर सकता क्या, रुक जा भाई, प्यारी लग रही ब्लैक वाली दूर से ही, ज़्यादा की नहीं 20-30 हज़ार की होगी। वे देखो स्पोर्ट्स शूज देख रहे हो भाई, कलेक्शन मतलब तुम लोग ललचा जाओगे, क्या ही कलेक्शन है देखो ना भाई साहब,
गाइस सब बूट वाले सुन रहे हैं, बहुत अच्छी टीम वाले हैं। देखो बाहर का व्यू, वो ग्रिलर नहीं होता बारबेक्यू करने वाला, जो यहाँ पे सॉसेस मिल रहे हैं वो इनको इसमें बारबेक्यू कर सकते हैं। 38,350 का है ये, बस इसी से काम चलाऊंगा। सोचे वो लोग जो दाल चावल ही खाते रहते हैं घर का खाना, उनको यहाँ पे अवेलेबल ना हो। कार्ड दो जरा, देखने को मिली है सच्ची। मेरा कार्ड लेके भाग गई दीदी, दीदी स्कैमर। गाइस नेपाली कॉइन मिले हुए यार, वो सोने का सिक्का। ओह माय गॉड गाइस, ये देख रहे हो अंदर पूरा भाई, तो हर एक कैमरा का ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। हमारे मॉल में लोग चिप्स का पैकेट ऐसे फाड़ के खा ले, यहाँ तो वो भी नहीं है जाओ भाई, खतरनाक है कुछ भी कहो। ये असली असली सुपर मॉल था भाई, को फील आ रहा है कि हाँ मैं दूसरी कंट्री में आया हूँ भाई। भाई ओवरऑल 10 में साहब कितना पॉइंट देना चाहोगे? भाई मैं 9.5 दे दूंगा। 9.5 हम लोग को यहाँ पे लोग देख रहे थे, क्योंकि मैं हाथ में कैमरा लिया था सर, और साथ में ये इतना ट्राइपॉड, तो इसलिए मतलब लड़कियाँ देख रही थी कि कर क्या रहा है। बाकी तो आईफोन लिए थोड़ा दिखाई खा देते हैं यार, जलवा है हमारा। बस में बैठ चुके थे पोखरा के लिए, ठीक है। अब देखो सामने माउंटेन्स आ चुके हैं, और इधर इतने ज़्यादा चिड़िया की आवाज़ें आ रही थी, इतनी चिड़िया इतनी चिड़िया, तो सामने चांद की आई मतलब जितने पेड़ हैं सामने चिड़िया ही चिड़िया। तो यार नाइट है तो उतना अच्छे से जो भी दिखेगा दिखा दूंगा, अच्छे से नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, कल दिखाएंगे। ओके सो गाइस, ये यहाँ की नेपाली है, नेपाली थाली 200 रुपये में नेपाल के पैसे से, और जितना एक बार में ले सकते हो उतना लेकर खा जाओ, बस इतना है। एक प्लेट में सिंगल ही इंसान खा सकता है, तो अपने भर लिया है, अब खाते हैं इसको। कैसा है खाना? बढ़िया। यहाँ का खाना पसंद आया? खाना भी बढ़िया और नज़ारा भी बढ़िया। बाहर का नज़ारा दिखाओ, इधर से दिखाइए, इधर राइट देख रहे हो, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, उधर भी दिखाइए उधर। फाइनली गाइस हम लोग पोखरा पहुंच चुके हैं, और अभी यहां पे टाइम हो रहा है 5:15 नेपाल में, और ये है कुछ यहां पोखरा का सीन सुबह का 5:15 का। काफ़ी ठंड है यहां, और हम लोग हाफ टी शर्ट में हैं, ठंडी तो लगेगी। चांद देख रहे हो कितना मस्त है, नेचुरल सैटेलाइट है भाई, पहाड़ों में यही लाइट का काम कर रहा था चांद, कोई लाइट नहीं लगी थी पहाड़ों में। तो अब देखो दिन का नज़ारा क्या होने वाला है, मैं जब जाके होटल लेंगे रूम वूम लेंगे, बता देंगे आपको रूम किधर लिया है, कहां पर लिया है, किस प्राइस में लिया है, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। हम लोग जहां पर उतरे थे पोखरा में बस स्टैंड से, उस जगह का नाम था पृथ्वी चौक, और अभी हम लोग आए हैं लेक साइड एरिया पे। जो इसका किराया था, फेयर का किराया, जो गाड़ी का किराया था, वो 400 रुपये नेपाली पैसे का था, रुपए का था, तो वो इंडियन करेंसी में पड़ा जा कर के 250 रुपये, ठीक है। तो यहाँ की टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस बिल्कुल रात हो रही, चांद देख रहे हो क्या ही मस्त है, ये देख डल कर दिया, और नीचे साइड पूरी लेक है, सामने पहाड़ है, लाइटिंग दिख रही, वो वापस जा रहे हैं। कभी कभी दिशा भ्रम होता है ना गाइस, दिशा भ्रम हो गया, क्या कर रहे हो? दिशा भ्रम दिखा रहे हैं। चांद देखो यार कितना मस्त है गाइस, ये सीन देखो, ये ब्रिज है,
देखो चांद की रिफ्लेक्शन आ रही वाटर में, और ये पूरी झील है, रात का सीन है ये। सामने पहाड़ हैं और ये देखो पूरी झील है, नीचे बोट्स हैं, और वो देखो अपना चांद, उसकी रिफ्लेक्शन वाटर पे आ रही है। तो गाइस मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ मॉर्निंग होती जा रही है, देखो चांद पीछे ढलता जा रहा है। इधर ही एक हमें अंकल मिले जे, वो उनका कहना है कि हाँ वो हमें 800 NC में, नेपाली करेंसी में अच्छा खासा रूम दिखा देंगे, जबकि हमारा बुक है। फिर भी देख लेते हैं भाई इनका रूम, क्योंकि इनकी आगे साइकिल यहाँ पे स्टैंड होता है, तो वो भी इनका ही है, मतलब इनका ही जान पहचान का है। बोटिंग का भी जो है वो इनका जान पहचान का है, तो कह रहे हम सब कुछ सही से करा देंगे। चलो ठीक है भाई, देखने में क्या जा रहा है। सीन देख रहे हो नीचे चांद, ये सब आपको दिखा रहा हूँ यार, कितना मस्त सीन दिखा रहा हूँ व्यू मॉर्निंग का। कोई यूट्यूबर नहीं दिखाया अभी तक, क्योंकि मैं खुद रिसर्च करके आया हूँ टोटल। गाइस इस होटल को देखो, लेक विजन गेस्ट हाउस, यहाँ से पूरी लेक दिखेगी। देखो बाइक देख रहे हो ना, ओके यहाँ के मुर्गे ने सबको जगा दिया। सो गाइस हमने होटल ले लिया, सामने आपको लेक दिख रही होगी वहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा होटल है, होटल रॉयल कॉर्नर। ये इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, खाहरे बंगलाड़ी लेक साइड पोखरा सेक्टर 6 रूम है। इसमें मेरा भैया का रूम है, ये अपना बैग फेंक दिया, जींस फेंक दी। इसमें एक ये बेड है, ये विंडो दी गई है पूरा व्यू के लिए उधर, और ये बालकनी है। एक ये रूम है, हम लोग चाहे तो इसमें भी आ सकते थे, पर ये रूम बड़ा है, देख रहे हो इतने बड़े वही है, पर हाँ इसका करेंगे क्या, ये का सामने व्यू भी नहीं सही था। सही है यार, कौन सा कमरे में लेटे लेटे व्यू देखना है। और एक ऊपर भी रूम है, तो ऊपर का भी अलग अलग है। अब इसका चार्जेस की बात करें तो भाई हमने तो पहले बात करी थी कि 800 800 अगर करेंगे, 800 नेपाली का ये वाला कमरा, 800 नेपाली कंसरी करेंसी का, सॉरी 800 नेपाली करेंसी का ये वाला कमरा, 800 नेपाली करेंसी का वो वाला कमरा, 800 800 नेपाली करेंसी को अगर हम इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पड़ा 500 रुपये। तो 500 के दो कमरे मिले, और कितने अच्छे हैं आप लोग खुद ही देख सकते हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये विंडो साइड विंडो भी है, यहाँ से अच्छा खासा व्यू भी आ जाएगा पहाड़ों का। और ये मस्त सा रूम है, देख सकते हो फैन है, इंटरनेट भी अवेलेबल है, फ्री किचन सर्विस भी अवेलेबल है, जो खाना पीना हो, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ओनली रूम का ही पे करना था, 500 500 कर दिया। ज़रूर होटल रॉयल कॉर्नर, इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, सर्च कर लेना, पूछते हुए चले आना, सही रूम मिल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप ये वीडियो दिखा सकते हो कि इसने लिया था, बाकी तो दे देंगे आपको, अच्छा है ना रूम। चलो ठीक है, आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, वाईफाई कनेक्ट करेंगे, देखते हैं व्लॉगों को अपलोड करते हैं। सुबह हो रहा है तो अभी इतनी पब्लिक अपनी सो रही होगी, तो व्लॉग तो वॉच करेगी नहीं, तो नून तक करेंगे अपलोड, तब तक अब जा रहे हैं हम रेस्ट करने।